बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाइसेस। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकॉन बेल भी दबा दीजिएगा। ये हफ़्ता 25 से लेके 31 जुलाई के दरमियान सन अपने घर में आ गया हुआ है और यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत मिलने वाले हैं और ख़ास तौर पे सर्विस मैटर में आपको बहुत फ़ायदा होगा। छठे घर में आपको एडवांटेजेस हैं। बड़ा प्रोग्राम गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेज हैं। ये हफ़्ता पूरा आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़रा थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी लेकिन एडवांटेजेस विद फुल ऑफ एडवांटेज। स्टार्ट आपका चौथे घर से और चौथे का लॉट छठे घर में, और जब चौथे का लॉट छठे घर में आता है तो आप अपनी जमाशुदा पूंजी जो है ना वो ऐसी जगह पे लगाने की कोशिश मत कीजिएगा जहाँ पे वो काम आपका ख़राब हो जाए, पैसे ज़्यादा। लिहाजा कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अपने काम से काम रखना है और अपनी वालदा की सेहत का ख्याल करना, उनको कोई अल्लाह ना करे कोई चोट लग जाए। तो लिहाजा आपने अपने वालदा की खिदमत करनी है, वालदा के साथ इंटरेक्शन करनी है। घर के काम देखेंगे, घर के काम को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। चौथा घर आपका कोई ना कोई हैप्पीनेस का भी है और वो भी आप बहुत अच्छा होगा। घर का माहौल बड़ा चिल होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, कोई नई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं और कोई नया घर की नक्शा बनाते हैं, कोई नए घर को स्टार्ट करते हुए नज़र आते हैं या घर की रिपेयर या वर्कशॉप जाके अपनी गाड़ी को भी लेके जाते हुए या अपनी पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं। कैटल है, बिजनेस वाले भी अपना इसमें भी काफ़ी होगा। मोरालिटी बहुत अच्छी होगी, किसी किस्म की फॉल्स एलिगेशन नहीं होगी। कोई गुमी हुई चीज़, चोरी हुई चीज़, आपको थाने से फ़ोन आ जाएगा कि अपनी गाड़ी ले जाएँ, अपनी मोटरसाइकिल ले जाएँ या आपका जेवर चोरी हुआ वो मिल गया, वो इस किस्म की खबर भी आपको काफ़ी एडवांटेजेस दे जाएगी। तो आपको यहाँ पे बड़े फ़ायदा होगा। और आगे अब चलते हैं 26-27 पाँचवें का लॉर्ड। पाँचवें में बेस्ट डेज ऑफ दी वीक, बेस्ट डेज बच्चों के साथ अल्लाह अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, अपनी मन मौजू के साथ करेंगे। मुझे तो लगता है बच्चों को गाड़ी में बैठाएंगे, किसी पहाड़ी इलाके में निकल जाएंगे, वो खूब सैर सपाटा करेंगे और ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे दरिया हुआ या कोई झील होगी या कोई नहर होगी या समंदर होगा, वो एक दूसरे पे पानी डालते, एक दूसरे पे खेलते कूदते, म्यूज़िक सुनते हुए, इन्जॉय करते हुए, अपने बच्चों के साथ हुल्ला गुल्ला करते हुए, खूब शोर शराबा, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, मौज मस्ती, टीन एजेस वाली हरकतें करते हुए आप जाते हुए नज़र आते हैं। और अच्छा, यहाँ पे आपको सडन गेन भी मिल सकता है, कोई एडवांटेजेस, कोई जैकपॉट लग जाएगा, कोई लॉटरी निकल आएगी, कोई आपका कोई फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे आपका घर नहीं बिक रहा तो यहाँ की प्लाट पड़ा है वहाँ से आपकी मोटरवे निकल जाती है, कोई सड़क निकल आती है, वही 100 रुपये की चीज़ वो 1 लाख रुपये में निकल जाएगी। वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें बहुत कामयाबी होगी, बहुत चेहरे पर एक मस्ती होगी, एक खुशी जगती होगी, हर अदा में एक मस्ती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, काम करने का धुन सवार होगी और उस वक्त तक फारग नहीं बैठेंगे जब तक काम ख़त्म नहीं कर लेंगे। प्यारों मोहब्बत से नाम कमाएंगे, खुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे, आपके बच्चे और दोस्त भी नाम कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन में बूस्ट, उस पर विजडम में, स्टेटस में, पोजीशन में आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता हुआ नज़र आता है। और एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट में पहले मैंने कहा कि उसमें आप रोमांस में भी यहाँ पे आपको एडवांटेज ही एडवांटेजेस हैं। अब आगे चलते हैं 28, 29, 30, यहाँ पे अजान का टाइम हो रहा है। मैं थोड़ा सा वक्फा लूँगा, उसके बाद फिर बात करता हूँ। अजान का वक्फा था इसलिए सिलसिला वहीं से जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। छठे घर में आ गए थे 28, 29, 30, यहाँ पे सन अपने घर में और छठे का लॉट छठे घर में। एडवांटेजेस बहुत होंगे यहाँ पे आपको, सर्विस मैटर में गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सर्विस मैटर में आपको बहुत बूस्ट मिल जाएगा, बॉस आपके साथ बहुत ही अच्छा आपके साथ बिहेव करेगा और आपको रिलीफ देने की कोशिश करेगा, आपके रुके हुए मसले निकाल देगा, क्योंकि वो साइन डील करता है बॉस को, तो
तो बॉस आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। आपका का कुफ्ते मुशाहदा और छटीस बहुत तेज़ हो जाएगी। सर्विसेज देने पे यकीन रखेंगे, मख्फी उलूम में भी दिलचस्पी रहेगी, छोटे छोटे सफ़र भी आप करते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेजेस किस चीज़ में मिलेगा? गवर्नमेंट की तरफ से लीगल इशू अगर आपकी कोई इंक्वायरी चल रही है तो वो आपके हक में हो जाएगी। कोई हायर अथॉरिटी के साथ कोई प्रॉब्लम है वो आपके हक में हो जाएगा। आपकी फेम में, आपकी ऑनर में इजाफा होगा। आपका हाई प्लेस पर्सन जो महकमे का आपका हेड होगा वो आपको बुला के आपके साथ इंट्रैक्शन करेगा और आपके बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और आप इनकेस अगर आप फिजिशियन हैं, केमिस्ट हैं, उसमें भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, पुलिस वाले, सोशल स्टेटस वाले, ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। कर्जियस बहुत होंगे, इनकी अथॉरिटी में इजाफा होगा, फेथ में इजाफा होगा, लीड बड़ा अच्छे तरीके से करेंगे और बड़े एम्बिशियस और लॉयल्टी के साथ काम करते हुए जेनेस्टी के साथ अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे साथ मून और वीनस का कम्बिनेशन भी है। अब मून और मरकरी का भी कम्बिनेशन है तो मेमोरी बड़ी अच्छी होगी, फुल ऑफ कॉमन सेंस होगी, बड़े अच्छे तरीके से बोलेंगे। आप अपने मीटिंग में अगर आपकी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बड़े नपे तुले तरीके से अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी। बड़े आसान लफ्ज़ों में बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। उसके बाद अगर आप पे सवाल जवाब होते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से, नपे तुले तरीके से फौरी जवाब दे देंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट सी रहेगी और आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन को यहाँ पे एडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको फ़ायदा नज़र आता है, यहाँ कोई सैलरी में इजाफा हो जाएगा, यहाँ कोई आपकी पेंशन में इजाफा हो जाएगा, कोई एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। छठा घर है तो यहाँ पे आपको कह लें सर्व कोई कह लें अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है, अच्छी अथॉरिटी वाली पोस्टिंग मिल जाएगी, कोई आपकी इंक्वायरी फाइल हो जाएगी, आपके हक में हो जाएगी, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, कर्जा मिल जाएगा, बैंक की तरफ से एडवांटेजेस मिल जाएंगे, अगर बीमार हैं तो माली से रिकवरी मिल जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल है वो दूर हो जाएगी, क्रूल एक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप खुदा ना करे जेल में है या थाना कचहरी में, जमानत हो जाएगी, आपके हक में फैसला हो जाएगा और फेवरेबल रिजल्ट्स इन कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अंकल आंट की तरफ से भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। हासदीन पे कंट्रोल कर लेंगे, जो भी लेग पुलर होंगे आप उनको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं और फिर वो उनकी क्लास लेते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही कमाल के ये दिन होंगे जहाँ पर आप अपने एडवांटेजेस लेने में कामयाब हो जाएंगे। 31st इतवार घर में सुकून.com, बेगम के साथ बहुत अच्छे तल्लक, स्पाउस के साथ बहुत अच्छे तल्लक, खामोशी, सुकून, अच्छा खाना, अच्छा पीना, रेस्ट करना और मौज मस्ती, सब कुछ आपको बहुत अच्छा होगा और नींद बड़ी अच्छी आएगी और कहते हैं यूँ फिर हंसी खुशी रहने। तो ये इतवार आपको पूरे हफ्ते का जो आपने भाग दौड़ की, जो आपने हिम्मत मारी, जो आपने एडवांटेजेस लिए, उसको एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। जैसे कहते हैं जिगाली करते नज़र आ रहे हैं, बैठे होंगे मज़े से, ऐसे लेटे होंगे अखलाएँ, ये भी फ़ायदा हो गया, प्रमोशन भी होगी, फ़ायदा भी हो गया, बॉस ने बड़ी तारीफ की, हेड से भी मुलाकात होगी और वही कहते हैं ना बात बात पे मुस्कुराहट। और ये बेगम कहेगी वही किसको सोच रहे और क्या क्या, आप ध्यान किधर है आपका, तो आपको ये वो समझेंगे किसी दूसरी का ख्याल कर रहे हैं, पर नहीं, ये आपकी अंदर की खुशी वो आपको चैन से सुकून से नींद लाएगी और रिजल्ट ओरिएंटेड वीक होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।